बहुत स्ट्रॉन्गली खबरें सामने आ रही थी कि हिमांशी खुराना और आसिम रियाज दोनों ही पंजाबी इंडस्ट्री से एक मूवी को साइन करने वाले हैं, यानी कि एक बार फिर से दोनों की एक केमिस्ट्री जो है वो देखने को मिल सकती है। इस बात पर अब फाइनली चीजें जो है वो सामने आई है। आसिम रियाज ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और आखिरकार क्या है कहना आसिम रियाज का, चलिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। पहले आप सभी को बता दूं कि आसिम रियाज बिग बॉस 13 के वो कंटेस्टेंट है जिन्होंने इतनी लाइमलाइट ली है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। हर किसी ने यही सोचा आसिम रियाज आएगा, आने के 2 से 3 हफ्ते के बाद में बाहर हो जाएगा, लेकिन फिनाले तक पहुंचा लड़का। और यहां पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दिलों में इतने छा गए हैं कि आज भी ट्रेंड करते हैं। बता दूं आपको यहाँ पर कि आसिम रियाज ने बैक टू बैक कई म्यूजिक वीडियोस की हैं, कई सारी म्यूजिक वीडियोस की हैं। इनफैक्ट उनका पहला गाना तो मेरे अंगने में ही था जो कि जैकलिन फर्नांडिस के साथ में था। साथ में उन्होंने हिमांशु खुराना के साथ में भी कई म्यूजिक वीडियो की है, जबकि आसिम रियाज और हिमांशु खुराना की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अब ऐसे में जिस तरीके से दोनों की केमिस्ट्री है, दोनों एक दूसरे रिलेशनशिप में, कई सारी चीजें जो थी इसकी वजह से भी दोनों को काफी ज्यादा पसंद किया जाता। लेकिन अब जो है जैसे एक लव स्टोरी जो वहां शुरू हुई थी म्यूजिक वीडियो में देखने के बाद, जब 2 से 2.5 घंटे की मूवी में केमिस्ट्री देखने को मिले तो ऐसा इंतजार तो हर किसी को रहता है। बता दूं आपको कि खबरें आनी शुरू हुई थी कि पंजाबी इंडस्ट्री की तरफ से एक फिल्म ऑफर हुई है आसिम रियाज, जिसके अपोजिट में उन्हें हिमांशु खुराना के साथ में काम करना है। लेकिन अब आसिम रियाज ने इस बात पर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक रूमर्स है और अगर ऐसा कोई ऑफर अभी तक तो आया नहीं है और ना ही मैं इसी चीज पे कभी कोई काम कर रहा हूं। ऐसा कुछ होगा तो मैं सोशल मीडिया पर जरूर इस चीज को अनाउंस करूंगा। तो खैर, फैंस के लिए ये सैड न्यूज है हिमांशु खुराना और आसिम रियाज के फैंस के लिए कि फिलहाल तो ऐसी कोई मूवी प्लानिंग नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर होती है तो आसिम रियाज हमें जरूर इतहा करेंगे, यानी कि जरूर बताएंगे। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग, क्या है आप लोगों की राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।